नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें और लास्ट में अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं वो आएगा, आंसर फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा बाय विच ही इज आफ्टर कॉल्ड वाज गौतम। ये कहानी है गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की, जिनका नाम परिवार में पहले गौतम था, बाद में उन्हें लोगों ने बुद्ध के नाम से जाना। He was the son of the ruler of a small state in northern India. उत्तर भारत के छोटे से राज्य के राजा के पुत्र थे, जैसा कि हमें सबको पता है। He married and had a son. उन्होंने विवाह किया, उनका एक पुत्र था। But at the age of 29, according to tradition, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा के अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, he gave up his ordinary life. उन्होंने अपने सामान्य जीवन को छोड़ दिया एंड लेफ्ट होम टू परस्यू अ रिलीजियस लाइफ। परिवार को छोड़कर उन्होंने धार्मिक जीवन को अपना लिया। दिस वॉज नॉट एन अनयूजुअल थिंग टू डू इन इंडिया एट दैट टाइम। उस समय भारत में ये कोई अनयूजुअल मतलब असामान्य घटना नहीं थी। मैनी मेंबर्स ऑफ द अपर क्लासेस बीकेम रिलीजियस वंडरर्स, और बहुत से लोग जो उच्च परिवारों में या कुलीन परिवारों में थे वो ऐसा करते थे और धार्मिक जीवन जीने परिवार को छोड़कर चले जाते थे। He studied with two teachers, उन्होंने दो अध्यापकों के साथ अध्ययन किया, practicing meditation and asceticism, जो ध्यान और तप दो चीजों पर अध्ययनरत थे। But was not satisfied that The way of either would certainly lead to salvation. लेकिन जिस ढंग से वो अध्ययन कर रहे थे या सीख रहे थे या समझ रहे थे वो उससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ये रास्ता उन्हें salvation या निर्वाण की ओर जाता नहीं दिखा। He wandered on, वो आगे बढ़ते चले गए, घूमते चले गए, seeking the true path, और सत्य के राह को तलाशते चले गए। He fasted until he was nearly dead. उन्होंने व्रत किया, इतने दिन भूखे रहे कि लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। बट टू नो अवेल, लेकिन फिर भी बचने का कोई रास्ता इस संसारिक माया मोह से उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फाइनली व्हाइल सिटिंग अंडर द फेमस ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, अंत में उस प्रसिद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर जो बोधगया का प्रसिद्ध पीपल का पेड़ है, ही वेंट थ्रू सेवरल डेजेस ऑफ मेडिटेशन, वे कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में वहां बैठे रहे। एट द एंड ऑफ विच ही कुड से, अंत में वो ये कह सके, रिबर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड, अब पुनर्जन्म का सिलसिला समाप्त हो गया है। आई हैव नो मोर टू डू विद दिस वर्ल्ड, अब मुझे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि इस संसार से मेरा संबंध हर प्रकार से समाप्त हो गया है। ही हैड बिकम द बुद्धा, और इस तरह वो बुद्ध बने। This is to say the enlightened one, और यही इसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां संसार के सभी माया मोह से वो फ्री यानी कि मुक्त हो गए। He had apparently entered nirvana in this life, और इस जीवन में ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जिसका अर्थ है आवागमन यानी कि बार बार संसार पर जन्म लेने की प्रक्रिया से वो मुक्त हो गए मान्यताओं के अनुसार। And in my case would not be born again, अब मेरे जीवन में मैं दोबारा कभी जन्म नहीं लूंगा, अर्थात इस चक्कर से मैं फ्री हो गया। आइए अब अनसीन पैसेज से हम क्वेश्चन के आंसर पिक करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, When did Gautam Buddha leave home? गौतम बुद्ध ने घर कब त्यागा? अनसीन पैसेज में फोर्थ लाइन में मिलेगा आपको, एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम, उन्होंने घर त्यागा। आप वहां से दो लाइनें एज इट इज उठाकर रख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ इतना करें, ही की जगह पर आप सब्जेक्ट क्वेश्चन से लेंगे गौतम बुद्ध। एक्यूरेट तो मैंने लिख दिया है, गौतम बुद्ध था लेफ्ट होम
कि यहां से ले लिया, गौतम बुद्ध ने घर त्यागा एट द एज ऑफ 29। ये हमने अनसीन पैराग्राफ ले लिया 29 साल की उम्र में। इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप चाहें तो हाईलाइटर से लिख सकते हैं, डिफरेंट कलर से इसे लिख सकते हैं। आगे देखेंगे व्हाई डिड बुद्धा फास्ट, बुद्ध ने फास्ट क्यों किया। हम पूरी अनसीन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो निर्वाण चाहते थे यानी कि मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे। तो हम आंसर देख लेंगे, पैराग्राफ में भी मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट लिख सकते हैं बुद्धा फास्टेड, बुद्धा ने व्रत किए बहुत दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं, टू गेट निर्वाण, निर्वाण के लिए यानी कि मोक्ष के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल गया। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कॉपी पर केवल आंसर लिखेंगे, मैंने यहां क्वेश्चंस लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं मिलते, केवल कैच वर्ड्स लिखेंगे और आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स निर्वाण एंड द एनलाइटेड वन। तो निर्वाण और एनलाइटेड वन का मीनिंग क्या होगा, आइए लिख दिया है। निर्वाण का मतलब होता है द जॉय ऑफ गिविंग अप एवरीथिंग, सब कुछ त्याग देने के बाद जो आनंद प्राप्ति होती है वो है निर्वाण, एक तरह से मोक्ष, ये मान लिया अब हमें आवागमन से मुक्ति मिल गई है। दूसरा है एनलाइटेड वन फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली कनेक्शंस, संसार के सभी संबंधों से अपने आप को मुक्त मान लेना, एक तरह से आत्मबोध आत्मज्ञान हो जाना कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म मैं कह रहा हूं। तो उसका भी आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसीन पैसेज में वो है अर्जेबल टाइटल, एक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसका, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो पैराग्राफ में बार बार यूज हुआ हो। मैंने 3 लिख दिए, लॉर्ड बुद्धा सबसे आसान, आप गौतम बुद्ध लिख सकते थे या बुद्धिज्म भी लिख सकते हैं या फिर एनलाइटनमेंट भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो निर्वाण भी लिख सकते हैं, वो भी इसका टाइटल हो सकता है। क्वेश्चन है इस अनसीन पैसेज का, वो है समरी ऑफ द पैसेज। सबसे पहले आप पूरी कहानी पढ़ लें और जितना हो सके समझ लें और उसे अपने शब्दों में लिखें। मैंने कोशिश की है 5 sentences, 6 sentences में इस स्टोरी को समराइज करने की। बुद्ध वाज नोन, बुद्ध जाने जाते थे एज गौतम, गौतम के रूप में, व्हेन ही वाज अ प्रिंस, जब वह एक राजकुमार थे, ही वाज अ सन ऑफ शुद्धोधन, वह शुद्धोधन के पुत्र थे, द किंग ऑफ कपिलवस्तु, जो कपिलवस्तु के राजा थे। पैराग्राफ में रूलर दिया हुआ आप वो भी लिख सकते थे। ही गॉट मैरिड एंड हैड अ सन, उनकी शादी हुई और एक पुत्र हुआ। ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने अपना घर छोड़ा, टू गेट निर्वाण, निर्वाण प्राप्ति के लिए। ही ट्राइड हार्ड, उन्होंने बड़ी कोशिश की, आपको पता है उन्होंने बहुत फास्ट रखे और बहुत कुछ सीखा, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हुए। फाइनली अंत में ही गॉट एनलाइटनमेंट, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, दस ही कुड से, इस प्रकार वो ऐसा कह सकते थे जो हमने अंतिम पैसेज लिया है, रिबर्थ हैज बीन डिस्ट्रॉयड, कि अब बार बार का जो जन्म मिलने का जो चक्र है वो समाप्त हो गया। तो ये समरी हो गई। लाजी वर्ड्स दिए हैं इनके साइनोनिम्स या सेम वर्ड्स जो हमने पैराग्राफ, पहला है सैक्रेड, इसका अर्थ होता है हिंदी में पवित्र, ये होली हो सकता था, पायस, लेकिन ये पैराग्राफ में मिला नहीं। रिलीजियस काफी इससे सिमिलर है, तो कई बार होता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स ना मिले लेकिन उसके आसपास का शब्द भी हम यूज कर सकते हैं साइनोनिम के तौर पर। अगला है एग्जेम्पशन, इसका मतलब होता है छूट, मुक्ति या किसी चीज से बचाव, यह है अवेल, ये पैराग्राफ से मिला है। अगला है रेनाउंसिएशन, मोक्ष या निर्वाण। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेंगे। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय।